मस्तनाथ मठ में श्रद्धा के साथ समाधि में लीन हुए योगी चारनाथ जी। तीन राज्यों के सीएम सहित सैकड़ों वीआईपी पहुंचे श्रद्धांजलि देने। मस्तनाथ मठ में शोक की लहर, साधु समाज ने किया नमन। शोकाकुल जनों ने कहा, सच्चे कर्म योगी थे बाबा चारनाथ। श्री बाबा मस्तनाथ मठ बोहर के महंत बाबा चारनाथ योगी आज ब्रह्मलीन हो गए। महंत चारनाथ योगी ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में शनिवार देर रात 12:30 बजे अंतिम सांस ली। वह कैंसर से पीड़ित थे। देर रात उनके शरीर त्यागने की जानकारी बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडे आहूजा ने दी। एक लंबी बीमारी से लड़ने के बाद कल अपोलो अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, परंतु अंत समय में हम उन्हें बचा नहीं पाए। योगी चारनाथ का जन्म 21 जून 1956 को दिल्ली के बेगमपुर गांव के साधारण किसान परिवार में हुआ। 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। 1978 में अस्थल बोहर मठ में महंत श्रीनाथ के शिष्य बने। उन्हें हनुमानगढ़ मठ की कोठारी का उत्तरदायित्व सौंपा गया। वर्ष 1984 में उन्हें अस्थल बोहर मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। महंत श्रेयोनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद वर्ष 1985 में बाबा चारनाथ योगी ने यह गद्दी संभाली। शिक्षा तथा चिकित्सा को कर्म क्षेत्र बनाते हुए उन्होंने वर्ष 1986 में ही स्कूल से इसकी शुरुआत की। उन्हीं के कार्यकाल में 2012 में संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। वर्तमान में इस मठ में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। बाबा मस्तनाथ मठ उत्तर भारत में चुरंगी नाथ की तपस्थली है। यह तपस्थली नाथ पंथ में एक महत्वपूर्ण गद्दी है। इसी गद्दी से जुड़े महंत श्रेयोनाथ जाने माने वैद्य रहे और वे हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। उन्होंने ही महंत चांदनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अपने जीवन काल में ही बाबा मस्तनाथ मठ के महंत बाबा चारनाथ योगी ने 29 जुलाई 2016 को बाबा बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। आज बाबा चारनाथ योगी ब्रह्मलीन हो गए। उनकी अंतिम यात्रा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित सैकड़ों वीआईपी और हजारों श्रद्धालुओं ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। बहुत बड़ी संख्या के साथ उन्हें गीता भवन से लेकर बाबा मस्तनाथ की समाधि तक लेकर जाया गया, जहां वे नियमित रूप से पूजा के लिए पहुंचते थे। इसके बाद साधुओं ने ही उन्हें कांधा देकर उस स्थान तक पहुंचाया जहां उन्हें समाधि दे दी गई। उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए तमाम वीआईपीओं ने उन्हें एक सच्चा कर्मयोगी, एक सच्चा संत और सच्चा समाज सेवक करार दिया। आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं पूरे नाथ संप्रदाय की ओर से भी और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की ओर से भी श्री महंत चारनाथ जी महाराज के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में अनेक सामाजिक सेवा के कार्यक्रम प्रारंभ किए। हरियाणा राजस्थान में शिक्षा के केंद्र, स्वास्थ्य के केंद्र स्थापित करने के साथ साथ श्री बाबा मस्तनाथ जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना, उनका युगांतरकारी एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। उन्होंने अपना पूरा उत्तरदायित्व अपने समय में ही योगी बालकनाथ जी को देकर के इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी उनके ऊपर दिया है और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि योगी बालकनाथ जी अपने पूज्य गुरुदेव के आदर्शों से प्रेरित होकर के उनका अनुसरण करते हुए नाथ संप्रदाय, संपूर्ण खड़ दर्शन संप्रदाय और सनातन हिंदू धर्म की सेवा करने के साथ साथ हमारे धर्मस्थलों को सामाजिक सेवा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए कैसे समर्पित होना चाहिए, जो कार्य श्री महंत चारनाथ जी महाराज ने यहाँ प्रारंभ किया, उन कार्यक्रमों को
बाबा मस्तनाथ पीठ और योगी महासभा नाथ संप्रदाय के माध्यम से योगी बालकनाथ जी आगे बढ़ाने में अपना योगदान उसी रूप में देंगे। आज मैं चांदना जी का शरीर छोड़ गए हैं शरीर वो, और उनके जाने से हरियाणा प्रदेश, राजस्थान प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मैं मानता हूँ पूरे देश भर की एक हानि हुई है। यह हानि बहुत, ये क्षति बहुत अपूर्णीय है, लेकिन प्रभु की इच्छा के आगे किसी की चलती नहीं है। वो संत चोला छोड़ के गए हैं और ये जो स्थल और मठ है उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया है, बाबा बालकनाथ जी को उन्होंने उत्तराधिकारी तय किया है। आज अकस्मात वो चले गए हैं, मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निर्माण किया, डेंटल कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, जन कल्याण बहुत कार्य आखिर तक वो करते रहे और मेरे उनके व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध, बेशक वो दूसरी पार्टी के थे लेकिन व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही अच्छे आदमी थे और समाज सेवा में ही उनका सारा जीवन। बाबा चांदनाथ योगी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दिखाए हुए रास्ते और उनके द्वारा दी गई शिक्षा सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। गरिमा टाइम्स श्री बाबा चांदनाथ जी योगी को शत शत नमन करता है।